हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर, वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आज तो आप खुश होंगे, नोटिफिकेशन आ गया है, आप तैयारी करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, पढ़ाई करने में मन भी लगेगा, ठीक है। तो हम कर रहे हैं पेपर एनालिसिस। ये है 21 जनवरी 2022 का पेपर जो ऑनलाइन मोड में हुआ था। अब तक के सारे पेपर हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया में कौन सा एक ठीक नहीं है, के बारे में कौन सा एक कथन गलत है, ठीक है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि लर्निंग जो है जीवन भर चलती है। हम कुछ ना कुछ हर रोज कहीं ना कहीं से सीखते ही रहते हैं, हर जगह से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो हमारा घर हो, परिवार हो, आस पड़ोस हो, हमारा स्कूल हो, कहीं भी हम जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये पूरा जीवन चलता रहता है, ठीक है। एरर्स एंड मिस्टेक्स आर इररिलेवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो ये बात गलत है, नॉट पूछा है तो सेकंड ही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। जो एरर्स एंड मिस्टेक्स हैं वो भी सभी से होती हैं, तो ये इररिलेवेंट नहीं है, ये रेलिवेंट है, ये हमारी लाइफ का पार्ट है, तो गलतियां सभी से होती हैं, गलतियां करते हैं फिर उन्हें ठीक करते हैं तभी तो सीखते हैं, तो ये अप्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। लर्निंग इज बेस्ड ऑन पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ये बात भी ठीक है। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, ये बात ठीक है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं, ये बात भी ठीक है, स्पाइरल वे में होता है, कभी ज्यादा सीख रहे हैं कभी कम सीख रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, नॉट पूछा है गलत, ठीक है। तो जो एरर्स होते हैं वो गलत नहीं होते हैं, वो नेचुरल हैं, सभी से होते हैं, इससे हम सीखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रिपीटेडली टेलिंग द चाइल्ड दैट ही शी इज नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग इज लाइकली टू, बच्चे को बारंबार यह बोलना कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, कि तुम पढ़ने के कैपेबल नहीं हो, तुम पढ़ने के योग्य नहीं हो, तुम साइंस लेने योग्य नहीं हो, बच्चे को बार बार ऐसा बोल रहे हैं, किस संभावना को बढ़ावा देता है बताइए। डिमोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, बात तो ठीक है कि अगर तुम बार बार किसी बच्चे को ये बोलोगे कि तुम कर नहीं सकते, ये तुम्हारी बस की नहीं है, ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, तो वो तो डिमोटिवेट होगा ही, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बाकी पढ़ लेते हैं। फास्ट एंड पेस ऑफ लर्निंग फॉर चाइल्ड, कि अगर तुम किसी बच्चे को ये बोल रहे हो कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम कर नहीं सकते, तो क्या इससे लर्निंग तेज होगी? तो ये तो सही बात है, इससे तो लर्निंग वैसे तेज होगी, अगर तुम उसे अप्रिशिएट करते हो, मोटिवेट करते हो, तो ही लर्निंग तेज होगी, ठीक है। तो ये क्या है, डिमोटिवेट करेगा बच्चे को, ठीक है। मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न हैव नो इफेक्ट ऑन चाइल्ड्स लर्निंग, तो अगर हम बच्चे को गलत बोल रहे हैं तो वो डिमोटिवेट करेगा बच्चे को, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैन बी एनहांस्ड बाय, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। फिक्सेशन ऑन कन्वेंशनल यूज ऑफ मटेरियल्स, उपकरणों सामग्री को परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, कि फिक्स कर दे मटेरियल कि यही मटेरियल हमें यूज करना है, कि हमें सिर्फ ब्लैक बोर्ड से ही पढ़ाना है, तो ऐसे बढ़ जाएगी कोई, ऐसे बढ़ा सकते हैं हम, प्रमोट कर सकते हैं कोई, तो ये गलत है। रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, कि बिल्कुल मानकीकरण बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न हो, रिजिड पैटर्न हो, तो ये भी गलत है। कंसिडरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्यूशन, ये बात बिल्कुल अच्छी है कि हम तरह तरह के सॉल्यूशंस ढूंढें। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स को देखें कि किस तरह की प्रॉब्लम है, उसे समझें, फिर उसे अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसमें अलग अलग तरीके लगाएं, ठीक है, अलग पर्सपेक्टिव में सोचें, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन बिल्कुल अच्छा है कि समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रोट मेमोराइजेशन कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, रटना बिल्कुल गलत बात है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24। टू टीच अ कंसेप्ट टू स्टूडेंट्स इन प्राइमरी ग्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, प्राथमिक कक्षा में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी प्राइमरी में किस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए, किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए कंटेंट को, पहले सिंबल्स पढ़ाएं, फिर पिक्चर्स पढ़ाएं, और फिर कॉन्क्रीट मटेरियल,
तो ये तो गलत बात है। पहले बच्चे को कॉन्क्रीट मटेरियल पढ़ाना है जिसे वो टच एंड फील कर सके, ठीक है। कोई भी ठोस मटेरियल हो, टीचिंग मटेरियल हो, पहले उसे दिखाना है, फिर उसके बाद उसे पिक्चर्स दिखानी है, फिर उसके बाद उसे सिंबल्स दिखाने हैं, ठीक है। तो इसमें भी पिक्चर, सिंबल्स एंड कॉन्क्रीट मटेरियल, तो ये भी नहीं होगा। पहले हमें कॉन्क्रीट मटेरियल दिखाना है, तो फोर्थ ऑप्शन में दिया है कॉन्क्रीट मटेरियल, पिक्चर्स एंड सिंबल्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। पहले बच्चे को ठोस वस्तु दिखानी है जिसे वो टच एंड फील कर सके, फिर उसके बाद पिक्चर्स दिखानी है जिसे देख सके, एंड फिर सिंबल्स, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्लासरूम एनवायरमेंट हैज अ सिग्निफिकेंट ऑन चिल्ड्रंस लर्निंग टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग, लर्निंग दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग क्लासरूम एनवायरमेंट शुड बी। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसा एनवायरमेंट है बच्चे पे उसका बहुत अफेक्ट पड़ेगा। प्रणिपति अभिमुखी अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे, यानी अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल होनी चाहिए, ठीक है। तो कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कि परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाए बच्चे की, कि इस तरह से पढ़ो कि तुम्हारे इतने मार्क्स आए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कॉम्पिटिटिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, कि बच्चे को कंपटीशन पे जोर दिया जाए, कंपीट कराया जाए, तो ये भी गलत है, हमें कंपटीशन नहीं कराना है। टीचर डोमिनेटेड हो तो ये भी गलत है, कि टीचर का बिल्कुल ऑथोरिटी स्टाइल हो, कि टीचर ही सब कुछ हो क्लास में, तो ऐसा नहीं है। टीचर को काम करना है फैसिलिटेटर की तरह, और क्लासरूम होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। कोऑपरेटिव एंड कोलाबोरेटिव, ये बात बिल्कुल ठीक है, कि क्लासरूम तब अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है जब क्लास कोऑपरेटिव हो और कोलाबोरेटिव हो, ठीक है। सहकारात्मक और सहयोगात्मक, सब एक दूसरे के साथ कोलैब करके पढ़ें, डिस्कशन करके पढ़ें, टीचर्स और बच्चे डिस्कशन करें, ठीक है, और बच्चे आपस में डिस्कस करें अपने पीयर्स ग्रुप के साथ, टीचर्स के साथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कोऑपरेटिव एंड कोलाबोरेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एग्जामिनेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग, कि हम एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ें, वही हमारा गोल है कि पेपर आएंगे और तब अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये गलत है। लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस, पहले ही गलत आ गया, पैसिव नहीं, लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है। इट डज नॉट रिक्वायर एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, तो ये भी गलत है। अधिगम क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। इमोशंस हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि इमोशंस का कोई रोल नहीं है हमारी लर्निंग में, हमारे सीखने में, तो ये भी गलत है। इमोशन एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, हम अगर हमारा मूड खराब है तो हम अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, ठीक है, और अगर हम परेशान हैं, दुखी हैं, इमोशनली वीक हैं, तो हम अच्छे से ग्रैप भी नहीं कर सकते। तो इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लर्निंग में, ठीक है। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच रिक्वायर एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है, यानी एक्टिव एंगेजमेंट, बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी अगर कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो बच्चे का, एक्टिवली एंगेज हो वो, ठीक है, सक्रिय रूप से प्रेजेंट हो वहां पे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्ता पर जोर देता है। किस तरह की महत्ता होनी चाहिए, किस तरह का प्रोसेस होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या इंटरेक्शन पे जोर देते हैं, कि बच्चा क्या है, इंटरेक्ट करके पढ़े, ठीक है, सोसाइटी के साथ, पीयर्स के साथ, एडल्ट्स के साथ, टीचर्स के साथ, ठीक है, पारस्परिक अंतःक्रिया हो, ठीक है। पुरस्कार और दंड की बात तो बिहेवियरिज्म करते हैं। आनुवांशिकता ओनली, हेरिडिटी नहीं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट होना चाहिए। इनफ्लेक्सिबल पेडागोजिकल अप्रोचेस, शिक्षा शास्त्रीय उपागम इस तरह के होने चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, यानी इस तरह के मेथड्स यूज करने हैं जो बच्चों के लिए उचित हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल पेडागोजिकल अप्रोच होनी चाहिए। तो तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। इंटरेक्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, पारस्परिक क्रियाएं होनी चाहिए, ठीक है, लर्निंग में। क्वेश्चन नंबर 28।
Which of the following is a correctly matched pair of influencer and source of motivation? कौन सा युग्म ठीक है इनमें से, सही मैच कर रहा है, अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? सेल्फ फुलफिलमेंट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा। तो ये गलत है, सेल्फ फुलफिलमेंट तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, यानी बच्चा अगर अंदर से करने की प्रेरणा है उसके अंदर तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, तो ये मैच नहीं हो रहा है। क्यूरियसिटी, अगर जिज्ञासु है, आंतरिक अभिप्रेरणा, ये बात बिल्कुल ठीक है, बच्चा क्यूरियस है, इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी अंदर से उसके अंदर प्रेरणा है काम को करने की, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। कैश प्राइज यानी नगद पुरस्कार, आंतरिक अभिप्रेरणा, तो ये आंतरिक नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक है, बाहरी प्रेरणा। रुचि इंटरेस्ट, ये भी इंट्रिंसिक नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक है। अगर किसी की रुचि है अच्छी पढ़ने में, इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो बच्चा जिज्ञासु है, यानी वो अंदर अपने आप जिज्ञासु, उस पर कोई कैश प्राइज वर्क नहीं कर रहा है, वो किसी लालच में नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। To facilitate conceptual understanding among students, a teacher should. विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, एक conceptual understanding बनाने के लिए। Encourage student to learn through rote memorization, कि बच्चे के concept तब clear होंगे जब बच्चे को रट्टा लगवाया जाए, रट के याद कराया जाए, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। Not include examples and non-examples in the discussion of concept. कोई भी कंसेप्ट अगर पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसमें एग्जाम्पल ही यूज ना हो तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देना तो बहुत जरूरी है। संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, तो नहीं सम्मिलित करना चाहिए, एग्जाम्पल्स तो देने चाहिए, ठीक है, उससे लर्निंग अच्छी होती है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो ये भी गलत है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू मेक कनेक्शन बिटवीन व्हाट हैज बीन प्रेजेंटेड एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो, जो प्रस्तुत किया गया है, जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये कितना अच्छा ऑप्शन है कि बच्चे को जो पहले से आता है, यानी उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अपने वो घर परिवार सोसाइटी से लेके आ रहा है और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उन दोनों को कनेक्ट किया जाए, तो फिर अच्छे से बच्चा सीख पाता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है, उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए जाए, रियल लाइफ से इंटरेक्ट करके पढ़ाया जाए, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया जाए, ठीक है, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेक्चर मेथड को ये ओल्डेस्ट मेथड हो गया, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बच्चे को इस तरह के मौके देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। मोटिवेशन, तो बात ठीक है, मोटिवेशन भी अफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग को। सोशल कंटेंट, ठीक है, सामाजिक संदर्भ, बच्चे की रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। इमोशंस भी इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को, प्रभावित करते हैं। पेडागोजिकल अप्रोच यानी जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन से में दिए गए हैं, फोर्थ में सारे दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चारों ही ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब डेली आपकी मैराथन होगी सारे सब्जेक्ट की, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दे, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।